हे गाइस, मैं हूं फकरे आलम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फकरे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग रेडमी नोट 9 यूजर हैं। जी हां दोस्तों, जिनके पास रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल है, यह वीडियो आज का उन्हीं के लिए होने वाला है, क्योंकि उनके फोन में एक अपडेट आ चुका है, लेकिन शायद उन लोगों को ना पता हो। अगर उस अपडेट को वो लोग अपडेट करते हैं तो उसके बाद में आपके फ़ोन में क्या क्या बदलाव आएंगे और आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजिंग आएगी, क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे फ़ोन में भी अपडेट आ चुका है, क्योंकि हमारा Redmi Note 9 Pro ही मोबाइल है। तो दोस्तों, हमारे में अपडेट आ चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन के साइड में शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ अपडेट किया था, क्योंकि इसके अंदर 2.3 GB डाटा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा डाटा होना चाहिए, तभी आप इसे अपडेट कर पाओगे। आपको 2 दिन तो इसका वेट करना ही होगा। जैसे कि 1.5 GB डाटा मिलता है तो 1 दिन में तो आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे दिन भी आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, तो इसलिए आपको 2 दिन तो लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मेरा 1 दिन का डाटा मैंने यूज किया, तो यहां पर आपको देख लीजिए 67% के अब शायद शो हो रहा होगा। तो यहां पर इसके बाद में अभी मैं और अपडेट करूंगा, अपडेट करने के बाद में इसमें कितना क्या बदलाव आता है और क्या क्या चेंजिंग आती है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके मैं दूंगा कि इसमें कुछ चेंजिंग आती है या नहीं आती है। अगर कुछ आती है, कुछ अच्छे जो है चेंजिंग आते हैं कि कुछ ख़राब चेंजिंग आती है, सारा का सारा मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा अभी तक किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, और आपको अपडेट करने से पहले ये वीडियो देख लेना चाहिए। जैसे कि कोई नुकसान होता है तो मैं ही नुकसान की भरपाई करूँ, आप लोग क्यों करें। जी हाँ दोस्तों, जिसे मैं अपडेट करूँगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही वो भी मैं आपको बताऊँगा, अगर कोई भी इससे फ़ायदे हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फाइनली गाइज, मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारा फ़ोन अपडेट हो चुका है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें पूरे के पूरे 2 दिन लगे। जी हां दोस्तों, हमारे में डाटा जो है कम पड़ जा रहा था, इसकी वजह से 2 दिन में हमने इसको अपडेट किया। जब मैंने अपडेट किया, पूरा का पूरा फ़ोन मेरा अपडेट हो चुका है। उसके बाद मैं यह वीडियो फिर से आधी जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं अब देखने वाला हूँ यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग मेरे फ़ोन में आई और क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों, सारा का सारा मैं चेक करने वाला। तो दोस्तों, यहां पर मैं अपना जो है इंटरफेस देख रहा हूं, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। जैसा का जैसा पहले था वैसा ही यहां पर अभी का अभी है। तो दोस्तों, यहां पर अब मैं जाता हूं इसके सेटिंग में और देखता हूं यहां पर क्या क्या चेंजिंग आई है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं सेटिंग को कर लेता हूं ओपन। तो दोस्तों, यहां पर मैं जब ओपन करूंगा तो यहां पर अबाउट फोन में मैं चला जाता हूं। तो यहां पर अबाउट फोन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर एक चीज यहां पर चेंजिंग में दिख रही है। तो दोस्तों, यहां पर MIUI जो है चेंज हो गया है, देख लीजिए। यहां पर 12.0.2.0 यहां पर पहले कुछ और था, यहां पर चेंज होके ये आ चुका है, यहां पर नया अपडेट आ चुका है। और दोस्तों, यहां पर कुछ मेरी मेमोरी भी 1-2 GB खाली हुई है। तो यहां पर अपडेट करने का ये हुआ। अब इसके बाद मैं एंड्रॉइड वर्जन में देख लेता हूं कुछ चेंज हुआ कि नहीं। तो यहां पर एंड्रॉइड 10 था, वही यहां पर अब भी है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो दोस्तों, यहां पर एक और देख लेता हूं, यहां पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल। तो यहां पर मैं जाकर देखता हूं तो यहां पर 1/11/2020 शो कर रहा है। तो यहां पर शायद ये चेंज हुआ है, ये पहले का था लेकिन ये चेंज होके 1/11/2020 का हो गया है दोस्तों। और यहाँ पर मुझे अभी तक और कोई चेंजिंग तो दिख नहीं रही है। अब दोस्तों, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ और भी मुझे चेंजिंग यहाँ पर भी नहीं दिख रही। अब इसके बाद मैं, जैसे कि मैंने आपको इंटरफेस दिखाया, इसमें भी चेंजिंग नहीं। और इसका कैमरा मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ खास चेंजिंग नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कैमरा मेरा पहले का था वैसा ही मेरा कैमरा अब भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैमरे में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों के दोनों कैमरे शो करा दिए हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको सारा का सारा दिखा दिया, यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं, लेकिन एक चेंजिंग इसके अंदर आई है। यहाँ पर फ़ोन थोड़ा स्मूथ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले मेरा फ़ोन थोड़ा लटक लटक के चलता था, लेकिन अब फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर मैं जो भी ऐप ओपन करता हूँ तुरंत ओपन हो जा रहा है। और थोड़ा नेट में भी सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि 0.1%, बस इतना ही सुधार हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं सुधार हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा स्मूथनेस आई है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नया सिक्योरिटी पैच डेट बढ़ के आ चुकी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर हुआ है। तो यहाँ पर अपडेट करने के मैंने आपको फ़ायदे भी बताए, नुकसान भी बताए। नुकसान तो कोई हुआ नहीं और एक फ़ायदा ही हुआ है। तो आप अपडेट कर देना, आपका फ़ोन जो है थोड़ा अच्छा चलने लगेगा,
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अपडेट करने से आपका हमेशा फ़ोन बढ़िया ही चलने लगता है, लेकिन फ़ोन की अगर क्षमता होगी तभी बढ़िया चलेगा वरना बढ़िया नहीं चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्लीनर एक 176 MB का और आ चुका है, इसका यूज़ क्या होता है ये भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर वही क्लीनर है लेकिन नए रूप में आ चुका है, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।